कहाँ से आए माँ, कहाँ से आए? हम सतारा से आए, महाराष्ट्र से आए। अच्छा बोलो माँ। तो हमारे आदमी के है ना, दो साल होते हैं किडनी का प्रॉब्लम। अच्छा, तो किडनी का प्रॉब्लम है। तो दवा कर 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 बहुत परेशान हो गए। जी जी जी। तो इसमें हमको सिपाकाई में मिलेंगी वो कुछ नहीं करता। अच्छा जी, अच्छा जी। इनको डायलिसिस कर रहे हैं? डायलिसिस दो साल होते है। दो साल से कर रहे हैं? हफ्ते में कितने बार कर रहे हैं? दो टाइम, दो टाइम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा जी, अच्छा जी। अब मैं बोले सर का इनको ट्रीटमेंट में दे डालो घर में जाको। हाँ। चार महीने में रेडी हो जाती इनो। हाँ? हाँ। इन्हें पकड़ो, अब मैं वीडियो करो, तुम्हें वीडियो करो, वीडियो करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पना लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, आज अक्सर किडनियाँ कैंसर वो जा रही, तो यहाँ सुबह से शाम तक डायलिसिस कर ले को किडनियाँ क्या रही और कैंसर क्या रही। ये किडनियाँ कैंसर का क्यों इतना फैल रहा है आज मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें एहतियात कर लेंगे कैंसर से भी बचेंगे, किडनियाँ फेल होने से बचेंगे इंशाल्लाह। पहले इनकी पाबंदी बता दूँ, चार महीने में रेडी होना तो क्या अमल करना। घोघरू के कांटे 50 ग्राम, हाँ हमें देती ले ले जाओ, और पंसारिका भी मिलती घोघरू के कांटे और पीपल के पत्ते। ये तो कहीं पीपल के पत्ते ही है, एक चीज पीपल के पत्ते और एक 50 ग्राम ये घोघरू के कांटे, ये घोघरू के कांटे 50 ग्राम और पीपल के पत्ते 31 ले को क्या करना, ऐसा 1.5 बाटल पानी डालना, उसमें 1 चमचा मेथी, 1 चमचा कलौंजी डालना और 2 मुट्ठी धनिया डालना। दाल को अच्छा पकाना, ये 1.5 बाटल को 1 बाटल बना लेना। बना ले को आधे घंटे को 1 घुट पानी है और आधे घंटे को 1 घुट कषाया, ये कषाया ये 200 जड़ बूटियों का पानी है। आधे घंटे को 1 घुट पानी पीपल के पत्ते का, आधे घंटे को 1 घुट कषाया, ऐसा ये पूरे दिन में पूरा बाटल पीना, एक एक घुट आधे आधे घंटे 1 घुट। और पहला महीना 30 बाटल होना, क्योंकि ये पीते ही भूख नहीं लगती, ये पीते ही 4 रोटी या गोश्त खाने का पौर मिलता है, भूख नहीं लगती, डरना नहीं, खाना छुटका ना बोल। महीने के बाद अच्छा भूख शुरुआत है, वो टाइम को बेजान नहीं खाना, आधा पेट खाको, अभी खाने की चाहत रहते खा दो लेना। अच्छा, उसके दरमियान भी भूख लगी तो खाओ, मगर भूख रहते खा दो लो इंशाल्लाह। और दूसरा महीना 20 बाटला, तीसरा महीना 10 बाटला, चौथा महीना 5 बाटला, 4 महीने में रेडी हो जाती है इंशाल्लाह। और इसे इम्पोर्ट क्या, शाम को 3 चमचे अरंडी का तेल कैस्ट ऑयल उसमें दाल को पिलाना, सुबह को जैतून का तेल, एलो ऑयल बोलती, जैतून का तेल 2 चमचे दाल को पिलाना, और एक दिन खोपरे का तेल, एक दिन जैतून का तेल। खोपरे का तेल का तो नारियल का तेल, एक दिन नारियल का तेल, एक दिन जैतून का तेल, सुबह में शाम में अरंडी का तेल दाल को पिलाना। और ये तबरीक आजम बल को देती, ये 2 खतरे हर दिन मुँह में डालना, 4 महीना में रेडी हो जाती इंशाल्लाह। और दूसरा एक कलौंजी का मिक्सचर, ये सबके लिए घर में जनरल तैयारी के, इसमें 13 आइटम आती, धनिया, मेथी, कलौंजी, अलसी, ऐसा 13 आइटम आती। इसे क्या करना, 100 ग्राम दुकान में ले लेना, ये बता को भुनको पाउडर बनाना, सुबह को 1 चमचा, शाम को 1 चमचा, घर में पूरे बच्चों को 1/2 चमचा, बड़े आंखों को 1 चमचा, हमेशा के वास्ते, ये हमेशा के वास्ते यूज़ करो तो आइंदा चल को किडनियाँ लीवर ख़राब नहीं होते, हार्ट अटैक नहीं आता, शुगर बीपी नहीं आता, सारे बीमारी से बच को रह जा। इसका नाम है कलौंजी का मिक्सचर, खाने वाले का अच्छा पिक्चर इंशाल्लाह। और दूसरा, अब किडनियाँ ख़राब नहीं होना कर दो, कैंसर नहीं आना कर दो, क्या करना, ठंडा पानी पीने का छोड़ना, पानी पका को पीना, क्या दाल को पकाना,
रब इसे बोलती शम, इसे बोलती गुम्मा, और गुम्मा बोलती, और एक नाम इसका तुम्बे, तुम्बे बोलती, गुम्मा बोलती। तुम्हारे राजस्थान में क्या बोलती मालूम नहीं, यहाँ कर्नाटक में तुम्बे बोलती, गुम्मा बोलती। घर के आजू बाजू रहता है, मैदान में रहता है, रोड के आजू बाजू रहता है। इसका पानी एक चमचा कलौंजी एक चमचा मेथी दाल को उबाल को पिए को जिंदगी में खांसी जुकाम और कैंसर और करोना वायरस को सा भी नहीं आता अगर इसका पानी पीते रहे। और इसके साथ होना तो जरा तुलसी का पत्ता भी मिला लो इंशाल्लाह, और किडनियाँ खराब नहीं होना का, तो हमेशा तुम्हारे किडनियाँ अच्छे रहना का। तो मेरे दोस्तों, जाम का पत्ता, आम का पत्ता हमेशा के वास्ते, ये रहा आम का पत्ता, ये रहा जाम का पत्ता, यानी अमरूद का पत्ता बोल। इसे सुखा को रख लियो, कच्चा ले, कच्चा भी डाल लियो परवाह नहीं, सुखा को भी रख लियो। इसमें एक चमचा कलौंजी एक चमचा मेथी दाल को गरम करके ये पीते रहे तो जिंदगी में तुम्हारा कैंसर आता नहीं, और शुगर बढ़ता भी नहीं, कम भी नहीं होता, शुगर की बीमारी आती नहीं। और दूसरा ये है शंबालू, ये शंबालू का पत्ता कर यहाँ है, और शंबालू भी बोलती, इसे नलगुंडी भी बोलती। ये कैंसर वाले को मेन, जिनसे लेंस कैंसर आ गए, अगर इसका पानी कलौंजी मेथी के चमचा दाल को उबाल को पिए तो लेंस कैंसर भी ख़त्म होता है, आइंदा चल को कोसा कैंसर भी आता नहीं इंशाल्लाह। कैंसर से बचना तो, और किडनियाँ ख़राब होने से बचना तो, एक अच्छा बैलेंस बोल तू पकड़ लो। वो बैलेंस क्या, जब तक भूख नहीं लगती तब तक खाना नहीं खाना, खिचड़ी पलाव परोठा बिरयानी ये सब भी भूख नहीं लगी तो खाना नहीं, आज के मारे नहीं खाना, और लोग आज जुल्म करती बोल को नहीं खाना, मर्द तो भी जुल्म करें दे, जोरों तो भी जुल्म करें दे, माँ बाप तो भी जुल्म करें दे, भूख नहीं तो नहीं खाना, भूख लगी तो आज खाना, फिर भूख रहे तो हाथ धो लेना, अब भी एक रोटी आता खाना खाने की चाहत रहना, हाथ धो लेना, वो डकारा मार रही फिर हवस के मारे खा रही, समझो किडनियाँ लीवर खराब कर लेती, कैंसर की बीमारी आती, उसके वास्ते भूख नहीं तो खाना को। और दूसरा लहसुन, पौ के जी लहसुन कूट को रख लेना, शहद में दाल को एक चमचा खाना, सुबह को ज़रा पतला दूध पीना, चार दिन खाना चार दिन छोड़ना, चार दिन खाना चार दिन छोड़ना, लहसुन जिंदगी में कैंसर नहीं आता। और प्याज हर दिन एक प्याज मिक्सी में मार को जूस बना को शहद डाल को पी जाओ, नहीं तो खाने को बैठे तो सिले सा काट को नींबू डाल को प्याज खा जाओ, जिंदगी में आता नहीं, कैंसर भी आता नहीं, किडनियाँ भी खराब होती नहीं। प्याज हर दिन एक पाबंदी से, लहसुन चार दिन खाना चार दिन छोड़ना, प्याज हमेशा हमेशा खाओ, मगर ये चार दिन खाओ चार दिन छोड़ो, इंशाल्लाह हमेशा तंदुरुस्त, इंशाल्लाह सेहत की कदर करो। हजार नियामतों से बेहतर नियामत सेहत है, क्योंकि अल्लाह दुनिया में सेहतमंद बना को भेजा, हमें मरने से पहले सेहतमंद बन को जाना सो, बीमार बीमारी में बीमारी की हालत में गए तो वहाँ भी मारा खा को मरती हमें। अल्लाह पूछता की बीमारी मंगा लिया की जहालत से खाया, नहीं खाने की चीज़ा खा को, नहीं पीने की चीज़ा पी को, गुटखा बीड़ी सिगरेट बीड़ियाँ दारू गांजा ब्रांडी अफीम क्या क्या खा को मरिया, अल्लाह पूछती। और याद रखो, और किडनियाँ ख़राब होने का असल मेन दर्जा मरकिन का आटा इस्तेमाल करना, कहाँ कहाँ परोठे समोसे याद रखो, और आलू तेल में उबाल को खाए तो कैंसर, अच्छा याद रखो आलू तेल में उबाल को खाए तो कैंसर, और मरकिन का आटा परोठे समोसे बेकरी का आइटम खाए तो किडनियाँ खराब हो को मरते सोच, ये कैंसर का कोई भी मरते सोच, अच्छा याद रखो बेकरी का आइटम छोड़ डालो खाने का। दोस्तों भाइयों, जो भी खाती जो है पका के खाओ, रेडीमेड ले खाने को, क्योंकि मिठाइयाँ जो ले खाती ना खराब होना नहीं बोल को केमिकल डाल को रखती, ले को खा को कैंसर मंगा ले को मरते सो,
मैसूर पाक, जिलेबी, जहांगीर, लड्डू, बूंदी। मेरे दोस्तों भाइयों, खुद भी मरते हैं, घर को जाने के तो बुले क्या दी, दो दो के जी कहीं को उन्हों मरने बोल को। सेहत को बचा ले जाओ, सेहत बचा ले गए तो जन्नत में बादशाह बन को जाती, नहीं बीमारी के हालत में गए तो वह माना खा को मरती। मालूमात कर लियो।